और सिरसा में होने वाली गृहमंत्री की रैली को लेकर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। साल बेमिसाल का संदेश लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा आ रहे हैं। 18 जून को सिरसा के अनाज मंडी में उनकी रैली प्रस्तावित है, वे यहां लोगों को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां चल रही हैं। रैली की संयोजक जिन्हें बनाया गया सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ खास संदेश इस रैली के जरिए अमित शाह देने वाले हैं। बहन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कुछ खास ऐसा देकर जाने वाले हैं अमित शाह? देखिए, ऐसा है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, उन 9 वर्षों का लेखा जोखा लेकर माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी वो जनता के बीच में आ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 9 साल बेमिसाल, एक गौरवशाली भारत का निर्माण जो है वो इन 9 सालों के अंदर जो है वो हुआ है, और आगे भी जो सतत जो प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे लगता है कि सभी जनता ये चाहती है कि वो उस शख्स को देखे और उनको सुने, उनके ओजस्वी भाषण को सुने जिन्होंने धारा 370 को ख़त्म किया, जो कभी सपना होती थी हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी का, हमारे आदरणीय जो हमारे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिनका बलिदान दिवस भी अभी आने वाला है, तो उनके सपने को साकार करने वाला अगर कोई शख्स है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी, तो उनको सुनने के लिए सभी तत्पर हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 तारीख को इसी अनाज मंडी के अंदर 4 बजे भारी से भारी संख्या में जनता पहुंचेगी और उनके विचारों को सुनेगी। विपक्ष का कहना है कि बेमिसाल जैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ उपलब्धियाँ हैं नहीं, किनका बखान करेंगे? देखिए, बेमिसाल जैसा जो हुआ है जिस जनता को उनको पता है, और वो गाहे बगाहे इस चीज़ का बखान भी करते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जिस तरह से जो है सड़कों का जाल बिछा है, चाहे हम बात करें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो योजना है उनकी, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिन लोगों को घर मिले हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको पक्का घर मिलेगा, तो उन लोगों के पास अगर आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आयुष्मान योजना के तहत उन लोगों के पास जिनको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको जो है इलाज के लिए जो है पैसा मिल सकता है, तो ऐसे ऐसे लोग, मैं खुद जो है उन लोगों के बीच में गई हूँ और मुझे बड़ी हैरान हुई कि किस तरह से जब मैं उनसे पूछती हूँ इसके बारे में तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सब जो आम जनता ने महसूस किया है, तो वो जनता जो है पलक पावड़े बिछाकर माननीय अमित शाह जी का इंतजार कर रही है सिरसा की धरती पर। इनेलो की परिवर्तन यात्रा भी सिरसा में चल रही है, वहाँ भी कहा जा रहा है कि रैली किस मकसद से की जा रही है, उनके भी आरोप हैं, आप क्या कहेंगे परिवर्तन यात्रा को लेकर? देखिए, ऐसा है कि वो अपनी ज़मीन को तलाश कर रहे हैं इसलिए वो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं, नहीं तो आपको मालूम ही है कि पूरे हरियाणा भर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो विधानसभा सीट है, उसमें भी जब बाई इलेक्शन हुआ तो जो पिछले वाला इलेक्शन था उससे उनको कम वोट प्राप्त हुए। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को ये हक है कि वो अपनी ज़मीन तलाश करे, तो वो अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं उनको। ऐसा कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को लेकर ही इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, विशेष रूप से सिरसा का चयन किया गया, इसके पीछे क्या खास वजह है? सिरसा का चयन पिछले 10 साल में जो है, 10 साल के बाद मुझे लग रहा है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं वो। रतिया से जब मैंने अपने राजनीतिक जो है वो अपने सफर का शुरुआत की थी तो उस समय में भी वो आए थे, और उसके बाद जब अब भी जब मौका मिला तो मैंने आग्रह किया उन्होंने, और उन्होंने मेरे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। पूरे हरियाणा भर में अमित भाई शाह जी की एक रैली जो है वो होनी निश्चित थी, तो मेरे आग्रह पर उन्होंने सिरसा को स्वीकार किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। एक सवाल पूरे हरियाणा में लोगों के बीच चल रहा है कि गठबंधन को लेकर, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, लेकिन जो बयानबाजी है वो तीखी चली है लगातार, आप क्या कहेंगे गठबंधन के भविष्य के बारे में? मुझे लगता है कि सांसद होने के नाते मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करूं। इसका निर्णय हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय संगठन मंत्री जी हैं और हमारे प्रभारी जी हैं, वो सब मिलकर इसके बारे में निर्णय करेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा वो हमको स्वीकार होगा। एक बड़ा सवाल यह भी रहता है कि गठबंधन में जिस प्रकार की बयानबाजी आती है उससे कहीं ना कहीं इस असमंजस के चक्कर में विकास प्रभावित नहीं होता? विकास बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि विकास की गति जिस तरह से चल रही है, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों हमारे सिरसा जिले के अंदर आए थे और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से जो वो है कई 100 करोड़ रुपए की
योजनाएं जो हैं उनका एक के बाद जो है शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, इसके साथ साथ वो इतनी अच्छी सौगात जो यहाँ पर देखे गए, चाहे मैं सिरसा जो सॉरी डिपडप वाली जो है उसको पुलिस जिला जो बनाने की बात करूँ, या इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा कि पिछले साल 9th और 10th के अंदर 100 तक बच्चे जहां पर थे उन सभी स्कूलों को उन्होंने अपग्रेड किया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी लोकसभा को मिला है तो वो मेरी लोकसभा सिरसा लोकसभा को मिला है। तो मुझे लगता है कि विकास जो है वो अपनी गति से चल रहा है। क्या माना जाए, गुणगान होगा उपलब्धियों का या और कुछ सौगातें भी मिलेंगी? देखिए ऐसा है कि जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की योजनाओं की बात करें, चाहे हम चाहे राज्य की सरकार की योजनाओं की बात करें, तो वो निरंतर चलती रहती हैं। अभी हम लोग एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जो है वो जनता के सामने आ रहे हैं कि इन 9 सालों के अंदर जो है हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से गौरवशाली भारत का निर्माण हुआ, चाहे हम अपनी धरती की बात करें चाहे हम विदेश की धरती की बात करें। पूरा विश्व जो है ये मानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बॉस हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर सुनीता दुग्गल सांसद हैं और रैली की संयोजक हैं, उनका भी यही दावा है कि यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी, उपलब्धियां भी होंगी, कुछ सौगातें भी मिलेंगी और जो 9 साल में बेमिसाल कार्य करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसका गुणगान अवश्य इस रैली के जरिए होगा और भीड़ और भव्यता के लिहाज से यह रैली ऐतिहासिक होगी। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवाड़ी, हरियाणा।